हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल दिसंबर मंथ में यानी दिसंबर 2022 में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर। बहुत सारे मेजर अर्कना आ गए हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। ओके, ओ वाओ, सो यहाँ पर भी है द स्टार, तो आपका कोई एक बड़ा वाला विश इस टाइम पर फुलफिल होने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन अभी तक कर रहे थे या फिर जो भी प्रे आप भगवान से कर रहे थे, तो ऐसा कोई एक बड़ा वाला विश आपका पूरा होने वाला है दिसंबर मंथ में। ये कोई भी विश हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, जिमना, लिब्रा, एक्यूरियस हैं। और तो यहाँ पर एरिस की एनर्जी अलग से दिख रही है, एरिस का खुद का कार्ड है ये। और यहाँ पर लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, टॉरस की एनर्जी अलग से दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, वर्ड साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी भी अलग से दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का, यानी इस टाइम पर कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है दिसंबर मंथ में। मुझे यहाँ से ऐसा लग रही है किसी एक चीज़ से आप बहुत दिनों से भाग रहे थे, कोई एक सिचुएशन हो सकता है, किसी एक पर्सन हो सकता है, कुछ नेगेटिव बुरा टाइम हो सकता है जिससे आप भाग रहे थे। तो आप जिस भी चीज़ से भाग रहे थे तो वही चीज़ आपके लाइफ में एंड होती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने चारों ओर एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, और इसके ऊपर बेस करके ही आप कुछ डिसीशंस या फिर कुछ एक्शंस लेने वाले हो। क्योंकि इस टाइम पर आपको रियलिटी पता नहीं होगा, आप इस इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके ही ये डिसीशन लोगे। और यहाँ पर हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, यानी आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन एंटर करने की कोशिश कर सकता है इस टाइम पर, सो बी केयरफुल। और अगर मैं करियर लाइफ के साइड से कहूँ तो इस टाइम पर आपके कुछ काम हैं जो आप करना चाहोगे इस टाइम पर, या फिर कुछ काम का रिजल्ट इस टाइम पर आप पाना चाहोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि इसका आउटकम आपको हैंड टू हैंड ही मिल जाए, तो ये जो आउटकम है, ये जो रिज़ल्ट हैं, ये आपको मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट हैं ये आपको हैंड टू हैंड तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर है द हायरोफेंट, तो इस टाइम पर अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, या फिर किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा कमिटमेंट वाला एक रिलेशनशिप का ऑफ़र आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपके लाइफ में नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पर आपके पास एक बहुत अच्छा शादी का रिश्ता भी आने वाला है। अगर आप किसी की तरफ से कुछ प्रपोज़ल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो प्रपोज़ल भी इस टाइम पर आपके पास आने वाला है। और द हायरोफेंट का कार्ड एक ट्रेडिशनल शादी को दर्शाता है, जिसमें दोनों परिवार मिलकर ये शादी करवाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से और हैप्पीनेस के साथ ये शादी कंप्लीट होता है। और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, सो डेफिनेटली इस टाइम पर भाग्य जो है वो आपके साथ रहेगा, आपके साइड में ही रहेगा। इस टाइम पर आप जो भी काम करने जाओगे उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। इस टाइम पर कोई एक नया साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके लाइफ में, एक नया चैप्टर ओपन हो सकता है आपके लाइफ में। ये लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, करियर के साइड से भी हो सकता है। और यहाँ पर हैं द एम्परर, सो डेफिनेटली आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने वाला है इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो, और आप खुद को एक क्वीन या फिर एक किंग की तरह समझने वाले हो, या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल आप खुद को सोच सकते हो।
और ये कार्ड भी बताता है कि इस टाइम पर आपके पास बहुत सारे सक्सेस आने वाले हैं। आप जो भी काम इस टाइम पर करने जाओगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर कोई एक जगलिंग सिचुएशन में आप फंसते जाओगे, आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और क्लैरिटी रियलिटी सभी आपके सामने ही रहेगा पर आप इसे देखना नहीं चाहोगे। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि आप इन दोनों सिचुएशन में से या फिर इन दोनों पर्सन में से या फिर इन दोनों चीज़ में से किसी एक को आप चूज़ नहीं करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही चीज़ अगर मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो क्या खराबी है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज़ करना है और किसी एक ही आपके पास रहेगा लाइफ टाइम के लिए। आप इन दोनों चीज़ को एक साथ नहीं रख सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक मेजर मैसेज दिसंबर मंथ के लिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। डेफिनेटली इस टाइम पर आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ तो मूव करने ही वाले हो और आपके करियर लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आप अपने लाइफ के तरफ से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करने वाले हो। आप अपने जीने का जो पर्पस है वो ढूंढ पाओगे इस टाइम पर। और इस टाइम पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शांति सुकून रहती हुई दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं एक मून गाइडेंस कि मून आपको क्या बताना चाहते हैं या फिर क्या गाइड करते हैं दिसंबर मंथ के लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। और इस टाइम पर आपके अंदर लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर प्यार रखोगे तो आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर सकोगे। आपका जो भी बिहेवियर शो होगा वो बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है, तभी आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आ सकेगी। तो ये जो गाइडेंस है ये आपको मून ने दिया है, तो आप ज़रा सा गौर करना इस बात पर कि आप किसी से भी रूडली बात मत कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार से कीजिए। और ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, तो आप अपने पर्सन को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए और उनको समझाइए कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्रिएट होने वाला होगा तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो ओवरऑल दिसंबर मंथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। ओके, सो बाय।